सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करने वाली भाजपा सरकार में भेदभाव नहीं किया जा रहा, तभी तो अतिक्रमण हटाओ अभियान में भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी विष्णु शुक्ल का होटल गिरा दिया गया। इसके बाद अन्य अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं भाजपा नेता विष्णु शुक्ला ने कहा, भवन निशान से ज्यादा गिरा रहे हैं, ये कौन सा न्याय है। उधर मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने मौके पर निरीक्षण कर अतिक्रमणकारियों से सहयोग मांगा और शहर को सुंदर बनाने के लिए सड़क किनारे स्वच्छता व सुंदरता जरूरी है, बाधा पहुंचाने वालों से अर्थदंड वसूला जाएगा। गोंडा में अंबेडकर चौराहे से उपवन पार्क तक सड़क की एक पटरी के अतिक्रमण को हटाया गया, 25 भवन ढहाए गए, कुल मिलाकर 47 भवन को अवैध कब्जे के कारण ढहा दिया गया। ये नुजूल की भूमि है, यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से बने भवन को ढहाया जा रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि नोटिस हमें 3 दिन पहले, बिल्कुल 30 तारीख को नोटिस हुई, इसके पहले की नोटिस में मैं नहीं था। हमारे यहाँ चिन्ह लगा हुआ है, बिल्डिंग से 5 फीट दूर था हमारा, और परसों जो पैमाइश जबरदस्ती की गई उसमें 5 फीट अंदर कर दिया गया। मैंने कहा कि अगर आप कर रहे हैं अंदर तो हमें मौका दे दीजिए, मौका देना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। दिवाली का समय है, दुनिया भर का माल स्टोर में भरा हुआ है, जानबूझ के इसको गिरा दिया गया। कितने का नुकसान हो रहा है? कम से कम 2 करोड़ रुपए का सामान जा रहा है, बैंक लोन पे है, और कम से कम 10 करोड़ की बिल्डिंग का नुकसान कर रहे हैं ये। जैसे ये आप बता रहे हैं कि हमें 3 दिन दिया गया, इसके पहले भी तोड़ रहे थे, तब हमें नोटिस नहीं, हमारी नोटिस जो 1 साल पहले आई थी मैंने उसका लिखित जवाब नगर पालिका को दिया था। अगर हमारे जवाब से वो संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने मुझे दूसरी चिट्ठी क्यों नहीं जारी की। मुझे केवल आप उनसे ये पूछ लीजिए कि 1 साल पहले जो नोटिस मुझे दी गई थी उसके बाद अभी जो परसों नोटिस आई है, बीच में कोई नोटिस हमें और आई? सबको 20 बार नोटिस दी गई, मुझे कोई नोटिस नहीं मिली। मैंने लिखित जवाब दाखिल किया था नगर पालिका में, उसकी रिसीविंग कॉपी मेरे पास है, लेकिन अगर वो जवाब गलत था मेरा तो उस पर नगर पालिका को जवाब देना चाहिए था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये तोड़ फोड़ नहीं है, ये जो नजूल की जमीन का घाटा नंबर 297 है, इसमें अवैध कब्जेदारों ने इसमें अवैध कब्जे किया था, उस कब्जे को हटाने की कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा। इन लोगों को कई बार नोटिस भी दिए गए, सूचना भी दी गई, कई माध्यम से नोटिस दिए गए, अनाउंसमेंट भी कराए गए, उसके बाद लोग भी इन लोगों ने इसको घाटा संख्या को खाली नहीं किया, अवैध कब्जे अपना बरकरार रखा और उसको खाली करने की प्रशासन की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है। सबको ये 25 लोगों को नोटिस दी गई थी घाटा संख्या से, नहीं सबको नोटिस दी गई, ये बहुत पुराने समय से हो रही है, ये प्रक्रिया बहुत पहले से 2-3 साल से चल रही है, कुछ नहीं है, कोई अन्याय नहीं। जो हमने हमें तो अपने नजूल के घाटा संख्या 297 में से मतलब है अपने वो क्लियर कर रहे हैं, बाकी किसी का कोई दूसरा जो घाटा पड़ रहा है उसमें कुछ हुआ नहीं जा रहा है।